हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। दुआ करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपने टाइटल में देख लिया होगा कि आज मैं शेयर करने जा रही हूँ ब्राइडल स्किन केयर रूटीन, तो आज की वीडियो इसी बारे में है। और वीडियो को प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा, आई एम श्योर आपके लिए आज की वीडियो भी बहुत हेल्पफुल होगी। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल बटन है इसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपसे मेरी कोई भी न्यू वीडियो मिस ना हो। और ये बिल्कुल फ्री है गाइस, तो चलिए देख लेते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि मैं गांव से हूं, और गांव में भी मेरी बहुत ही प्यारी प्यारी सब्सक्राइबर्स हैं जो कि मेरी वीडियोस देखना पसंद करती है, उन्हें मेरे टिप्स अच्छे लगते हैं। तो उन्होंने बोला था, दी आप ऐसी ब्राइडल स्किन केयर रूटीन बताइए कि जो चीजें हमें नॉर्मल मार्केट में भी इजिली मिल जाए और जो ऑनलाइन भी अवेलेबल हो। क्योंकि काफी बार ऐसा होता है कि ऑनलाइन चीजें मिल तो जाती है लेकिन डिलीवरी वाली मतलब जो सिस्टम होता है वो डिलीवरी का गांव में अवेलेबल नहीं होता है। तो इसलिए उन्होंने बोला था कुछ ऐसी चीजें बताइए जो घर पर ही हम इजिली तैयार कर सके, और यानी कि DIY, और नॉर्मल मार्केट में भी इजिली मिल जाए। तो आज मैं दोनों ही चीजें आपको बताऊंगी, जिससे कि गाइस आप अपने DIY फेस पैक घर पर भी तैयार कर सकती हैं, अपनी स्किन में एक बहुत अच्छा ग्लो ला सकती हैं, अपनी स्किन को मॉइस्चराइज कर सकती हैं, नरिश कर सकती हैं, और भी बहुत सारे फायदे होंगे इस फेस पैक के। और वो कौन कौन से प्रोडक्ट हैं आगे की वीडियो में आप देखेंगे। और प्लीज गाइस मेरी वीडियो की प्लेलिस्ट को एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने अपनी चैनल पे बहुत सारे ऑलरेडी स्किन केयर, हेयर केयर, DIY, फेस पैक, फेशियल्स और प्रोडक्ट्स रिव्यू और हेल्दी टिप्स शेयर किए हुए हैं। तो आई एम श्योर आपके लिए हेल्पफुल होगी। प्लीज मेरी वीडियो की प्लेलिस्ट को एक बार चेक जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं। और यहां पर दोस्तों, मैं अभी आपको जो भी फेस पैक बताऊंगी, जो भी स्क्रब बताऊंगी, उसे मैं अपने फेस पर भी आपको अप्लाई कर जरूर दिखाऊंगी, ताकि आप उसका इंस्टेंट रिजल्ट देख सकें, मतलब कितना अच्छा निखार आता है स्किन में। तो ये सभी चीजें बताऊंगी, साथ में एंड में मैं आपको कुछ हेल्दी टिप्स भी दूंगी जो कि दुल्हन के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होंगे। तो प्लीज गाइस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। सो गाइज, मैंने सोचा क्यों ना इस ब्राइडल स्किन केयर रूटीन को और थोड़ा इंटरेस्टिंग बना दिया जाए। जैसा कि मैं आज आपसे शेयर करने जा रही हूँ, फुल बॉडी क्लीनअप शेयर करने जा रही हूँ, लाइक आप अपने फेस को कैसे केयर कर सकते हैं, अपनी स्किन की कैसे देखरेख कर सकते हैं, अपने बालों की कैसे देखरेख कर सकते हैं, सिर के बाल से लेकर पैर के अंगूठे तक सारा आपको स्किन केयर रूटीन बताने जा रही हूँ ब्राइडल के लिए। वैसे तो इन सभी चीजों को हर कोई इस्तेमाल कर सकता है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बिल्कुल नेचुरल इन्ग्रीडियंट की हेल्प से मैं आज आपको ये स्किन केयर रूटीन बताने जा रही हूँ। इसे हर कोई ट्राई कर सकता है, इसका कोई भी नुकसान नहीं है। वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है आज की, तो प्लीज वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, बहुत अमेजिंग होगी आज की वीडियो, एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज गाइस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरा ये ब्राइडल स्किन केयर रूटीन कैसा लगा। तो यहाँ पर दोस्तों, सबसे पहले मैं फेस से स्टार्ट करने जा रही हूँ, और फेस के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ फेस स्क्रब। तो चलिए देख लेते हैं कि हमें ये स्क्रब तैयार करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होगी। तो फ्रेंड्स, स्क्रब को तैयार करने के लिए आपको चाहिए ऑरेंज पील पाउडर। मैं यहाँ पर एलिमिनेंसिस का ऑरेंज पील पाउडर ले रही हूँ। आप चाहें तो किसी भी ब्रांड का यूज कर सकते हैं, अगर आप घर का बना भी ले सकते हैं तो वो भी बहुत ही बढ़िया रहेगा। अगर आपके पास घर का बना हुआ है तो वो भी आप ले सकते हो, और अगर आपके पास ऑरेंज पील पाउडर नहीं है तो आप चंदन पाउडर भी ले सकते हो। और आपको इसके लिए चाहिए हनी। मैं यहाँ पर डाबर का हनी यूज कर रही हूँ, आप चाहें तो किसी ब्रांड का यूज कर सकते हो। और नेक्स्ट आपको इसमें चाहिए पाउडर शुगर। तो चलिए देख लेते हैं। मैं यहाँ पर ले रही हूँ सबसे पहले एक क्लीन बाउल, और अब मैं इसमें ऐड करूंगी ऑरेंज पील पाउडर। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं इसमें हाफ स्पून ले रही हूँ ऑरेंज पील पाउडर। अब मैं इसमें ऐड करूंगी हाफ टेबल स्पून शुगर, और अब मैं इसमें ऐड करूंगी हनी। दैट्स इट। और अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा रोज वाटर भी ऐड कर सकते हैं, यानी कि गुलाब जल। आप इसमें गुलाब जल भी मिला सकते हैं, या फिर नॉर्मल पानी भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। तो इसमें थोड़ा सा मैं पानी ऐड करूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा स्क्रब रेडी है, और अब मैं इसे अपने फेस पर अप्लाई करूंगी। 2 से 3 मिनट तक मैं स्क्रब की हेल्प से अपने फेस पर मसाज करूंगी। ऑरेंज के छिलके में उसके एक्चुअल फ्रूट से भी ज्यादा, ऑरेंज से भी ज्यादा विटामिन सी और सिट्रिक एसिड होता है। सिट्रिक एसिड हमारी स्किन को एक्सफोलिएट करने में और एक्ने को सुखाने में भी हेल्प करता है, और ओवरऑल हमारी स्किन को यूथफुल बनाने में भी हेल्प करता है। विटामिन सी हमारी स्किन में कोलेजन और इलास्टिन को बढ़ाता है, जिससे हमारी स्किन और भी ज्यादा यूथफुल और सफल महसूस होती है। ऑरेंज के जो नेचुरल ऑयल्स होते हैं ना गाइस, वो हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करते हैं और उसको हेल्दी, शाइनी और ग्लोइंग बनाते हैं। तो देखा गाइस आपने, ऑरेंज के छिलके में भी कितने सारे बेनिफिट्स होते हैं जो हमारी स्किन को इतने ज्यादा यूथफुल बनाते हैं, हमारी स्किन को ग्लोइंग बनाने में हेल्प करते हैं। 5 मिनट तक अपने फेस पर इस तरीके से स्क्रब कीजिए, और इस तरीके से मसाज कीजिए स्क्रब की हेल्प से, और इसके बाद आप अपने फेस को नॉर्मल वाटर से वॉश कर लीजिए। आप इस तरीके से अपने हाथों और पैरों पर भी इस स्क्रब को अप्लाई कर सकते हो। सो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया है, और आप देख सकते हैं सिर्फ स्क्रब करने से ही मेरी स्किन में कितना अच्छा ग्लो आया है, फेस बहुत ही ज्यादा ग्लोइंग लग रहा है।
सो गाइस स्क्रब तो मैंने आपको कर दिखा दिया है। सेकंड मैं यहाँ पर आपको बताने जा रही हूँ फेस मास्क या फिर फेस पैक भी आप इसे बोल सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए हाफ टेबल स्पून ऑरेंज पील पाउडर। तो ये देखिए मैंने इसमें हाफ स्पून ऑरेंज पील पाउडर ले लिया है। अब मैं इसमें एक पिंच हल्दी ऐड करूंगी और थोड़ा सा हनी। आप इसमें चाहे तो रोज वाटर भी ऐड कर सकते हो। तो मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी और आप चाहें तो इसे फिंगर की हेल्प से भी लगा सकते हैं या फिर आप इसे ब्रश की हेल्प से भी अप्लाई कर सकते हैं। और गाइस इस फेस पैक को और फेस स्क्रब को दोनों को ही आप अपनी पूरी बॉडी पर भी अप्लाई कर सकते हो, जहां भी आपको टैनिंग वगैरह की प्रॉब्लम है, जहां भी आपको डार्क स्पॉट है, डार्क सर्कल्स हैं। तो ये देखिए मेरा फेस पैक भी रेडी हो चुका है। अब मैं इसे अपने फेस पर अप्लाई कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इस पैक को अपने फेस पर अप्लाई कर रही हूँ। आप चाहे तो ब्रश की हेल्प से भी इसे अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए अब देख लेते हैं कि फेस पैक कैसे काम करता है हमारी स्किन में। इस फेस पैक से गाइस ना सिर्फ आपकी स्किन ब्राइट और रेडिएंट बनती है, बल्कि इससे आपके ब्लेमिशेस, डार्क स्पॉट, एक्ने मार्क्स भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है। इससे हल्की फुल्की जो आपके फेस पर पिगमेंटेशन भी होती है वो भी दूर हो जाती है और ओवरऑल आपकी स्किन को लाइट बनाता है ये फेस पैक, और इससे आपका कॉम्प्लेक्शन भी निखरता है। आपके फेस पर बहुत ही सुपर ग्लो आता है, आप देख सकते हो। और आप इसे रेगुलर भी यूज़ कर सकते हो, अपने फेस पर लगा सकते हो। और गाइस अगर आप चाहते हो इतने सारे बेनिफिट्स आपकी स्किन को मिले, तो प्लीज़ गाइस इसे एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। आई एम श्योर आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, आपकी स्किन में बहुत अच्छा ग्लो भी आएगा और इतने सारे फायदे आपकी स्किन को पहुंचेंगे। तो आप एक बार इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और इस पैक को भी गाइस आप अपनी पूरी बॉडी पर अप्लाई कर सकते हो। नहाने से कुछ देर पहले आप इस पैक को अपने हाथ और पैरों पर लगा लीजिए और जहाँ भी आपको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है वहाँ भी लगा लीजिए, तो इससे आपकी पिगमेंटेशन भी दूर हो जाएगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा फेस पैक सूख चुका है और मैं अपने फेस को वॉश करके आती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स अब देख लेते हैं कि आपको लिप स्क्रब के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत होगी। मैं यहाँ पर ले रही हूँ नेस्कैफे। आप चाहे तो किसी भी ब्रांड की कॉफी यूज कर सकते हैं, यहाँ पर मैं नेस्कैफे ले रही हूँ। तो ये देखिए मैंने बिल्कुल थोड़ी सी इसमें कॉफी ले ली है और अब मैं इसमें ऐड करूंगी शुगर। तो ये देखिए और अब मैं इसमें ऐड करूंगी हनी। अब अपने अकॉर्डिंगली क्वांटिटी को घटा बढ़ा भी सकते हैं गाइस। और ये स्क्रब गाइस आप अपने हाथ और पैरों पर भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलिए मैं इसे मिक्स कर लेती हूँ अच्छे से। तो ये देखिए फ्रेंड्स मेरा लिप स्क्रब रेडी है। अब मैं इसे अपने लिप्स पर स्क्रब कर लेती हूँ। और इस कॉफी स्क्रब से गाइस आपके लिप्स जो है एक्सफोलिएट होते हैं, आपकी डेड स्किन सेल्स को रिमूव करती है। कॉफी बहुत ही अच्छी एक एंटी एजिंग और एंटी ऑक्सीडेंट्स गुण मौजूद होते हैं कॉफी में। और आप जैसा कि देख सकते हो मैंने इसमें हनी ऐड किया है, तो हनी से हमारे लिप्स भी मॉइस्चराइज होंगे और नरिशमेंट भी प्रोवाइड करता है हनी हमारे लिप्स को। तो बहुत ही अच्छी एक स्क्रब का काम करती है कॉफी। प्लीज इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। जितनी भी आपके होठों के आसपास डेड स्किन सेल्स होते हैं उसे भी ये रिमूव करने में हेल्प करेगी और आपके लिप्स के आसपास रिंकल्स भी नहीं आने देगी और फाइन लाइंस को भी दूर करेगी। तो इस लिप स्क्रब को गाइस आप अपने हाथों और पैरों पर भी लगा सकते हो। यही इन स्क्रब के फायदे हैं कि आप इसे अपनी पूरी बॉडी पर भी अप्लाई कर सकते हो, अपने हाथों और पैरों पर अप्लाई कर सकते हो। बहुत ही बेनिफिशियल है गाइस ये स्क्रब, इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। बस 2 से 3 मिनट तक इस तरीके से मसाज कर लीजिए और अब मैं अपने लिप्स को साफ कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं गाइस कितना फर्क आ गया है मेरी स्किन में। आप देख सकते हैं मैंने सिर्फ एक ही हाथ पर इसे लगाया था और लिप्स भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और स्मूथ लग रहे हैं। तो ये देखिए मन कर रहा है मैं बार बार फेस को टच करूँ, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट लग रही है स्किन। तो चलिए फ्रेंड्स अब मैं आपको जेल के बारे में बता देती हूँ कि जेल कैसे तैयार करनी है। आप चाहें तो डायरेक्ट प्लांट वाली एलोवेरा जेल भी ले सकते हो। और इसमें मैंने थोड़ी सी एक पिंच हल्दी ऐड की है और एलोवेरा जेल ली है। इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर मैं अपने फेस पर 5 मिनट तक मसाज करूंगी और इसके बाद नॉर्मल पानी से अपने फेस को वॉश कर लूंगी गाइस। ये बहुत ही अच्छे क्लिंजर का भी काम करेगी। तो आपने कभी भी किसी पार्टी फंक्शन में जाना हो, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आप इस जेल को यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया है आपको। तो आप देखेंगे आपकी स्किन में बहुत ही ज़्यादा अच्छा ग्लो आएगा गाइस, जैसे कि आपने गोल्ड फेशियल कराया हो बस ऐसा ग्लो आएगा। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं भी काफ़ी बार अगर जल्दी में होती हूँ तो मेरे पास फेशियल वगैरह का टाइम नहीं होता है, तो मैं इस तरीके से एलोवेरा जेल में हल्दी को मिक्स कर लगा लेती हूँ और 5 से 10 मिनट तक मसाज कर लेती हूँ। उसके बाद वॉश कर लेती हूँ अपने फेस को और आप देख सकते हैं गाइस कितना अच्छा ग्लो आया है फेस में। और इसके बाद आपने कोई भी सोप वगैरह या फेस वॉश का इस्तेमाल नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स मेरा फेस क्लीन अप तो हो चुका है। अब मैं बढ़ती हूँ बालों की तरफ। सो यहाँ पर अब मैं अपने फेस पर मॉइस्चराइजर लगा रही हूँ ताकि मैंने जो भी फेस पैक और स्क्रब वगैरह लगाए हैं इन सब के अच्छे तत्व मेरी स्किन में लॉक हो जाए अच्छे से। इसलिए गाइस मॉइस्चराइजर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, आप भी अपने फेस पर मॉइस्चराइजर ज़रूर लगाइएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं फेस क्लीनअप तो कर चुकी हूँ जैसा कि आपने देखा,
और अब मैं बढ़ती हूँ बालों की तरफ। तो बालों के लिए मैं आज आपके साथ एक पैक शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही सिंपल सा हेयर पैक है। आपको सभी इंग्रेडिएंट आपकी किचन में इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। और आज की इस हेयर वॉश की एक बात यह भी है कि आज मैं अपने बालों को लस्सी की हेल्प से वॉश करने जा रही हूँ। जी हाँ, छाछ या लस्सी जो भी आप बोलते हैं, तो लस्सी की हेल्प से मैं आज अपने बालों को वॉश करने जा रही हूँ। लस्सी की हेल्प से गाइज अगर आप बालों को वॉश करती हैं तो इससे आपकी स्किन में जितने भी मतलब आपकी स्कैल्प में डैंड्रफ होता है आपके सिर में, वो रिमूव करती है। प्लस आपके बालों को सिल्की सॉफ्ट और स्मूथ भी बनाती है। मेरी मम्मा मुझे कहती थी कि लस्सी से बालों को वॉश करो। मेरी मम्मा मेरी हेल्प करती थी जब मैं छोटी थी, तो मेरे बालों को वो लस्सी से ही वॉश करती थी, जिसकी हेल्प से मेरे बाल आप देख सकते हो गाइस अभी तक नेचुरल ब्लैक हैं। जी हाँ, बाल जो होते हैं ना आपके जल्दी जो व्हाइट होने लग जाते हैं, लस्सी उसमें भी हेल्प करती है आपके बालों को काला बनाए रखने में, सफेद नहीं होने देती है जल्दी। इतने सारे बेनिफिट्स हैं इस लस्सी के। और गाइस आज की वीडियो में मैं आपको रिजल्ट भी दिखाऊंगी कि लस्सी की हेल्प से कितना अच्छा रिजल्ट आया है बालों को वॉश करके। और अगर आप गाइस ये पैक ना भी लगाए ना, तो भी आप खाली अपने पहले लस्सी से बालों को वॉश लीजिए, उसके बाद शैम्पू कर लीजिए जो भी आप यूज करते हैं, तो भी आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए क्विकली देख लेते हैं कि ये हेयर पैक कौन सा है। और गाइज एक चीज और बता दूं कि बहुत सारे हेयर पैक मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे शेयर किए हुए हैं, तो गाइज प्लीज मेरी वीडियो की प्लेलिस्ट को एक बार चेक जरूर कर लीजिए। आई एम श्योर आपके लिए हेल्पफुल होगी गाइज, प्लीज चेक कीजिएगा। और कुछ वीडियोस के लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आई बटन पर दे दूंगी, तो आप एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। बहुत सारे हेयर पैक और बहुत सारे ब्राइडल पैक भी मैंने ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं, तो चलिए देख लेते हैं कि अब इस पैक को तैयार कैसे करना है। यहां पर मैंने लिया है एक एग, ले लीजिए आप ये देखिए। अगर आपके पास एग नहीं है गाइस, तो आप दही भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास एग नहीं है या आपको पसंद नहीं है एग लगाना, एग की स्मेल अगर अच्छी नहीं लगती है, तो आप दही भी यूज कर सकते हो। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा जैतून का तेल, आधा चम्मच लगभग। नेक्स्ट मैं इसमें डालूंगी हेयर सीरम। नेक्स्ट मैं इसमें डालूंगी कैस्टर ऑयल, ये देखिए ये पॉजिटिव रूट थेरेपी का कैस्टर ऑयल है, और ये भी मैं आधा चम्मच लूंगी। तो ये देखिए मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब मैं इस सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लूंगी। आप चाहे तो इसे मिक्सी में भी घुमा सकते हैं, मतलब मिक्सर ग्राइंडर कर सकते हैं, या ग्राइंड कर लो इसे अच्छे से, फैंट लो मतलब। और ये देखिए अब ये हेयर मास्क हमारा तैयार हो चुका है। चलिए मैं इसे अपने बालों में अप्लाई कर लेती हूँ। इन चारों इंग्रेडिएंट को आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए, अपने बालों में अप्लाई कर लीजिए। बालों में अप्लाई करने से पहले अपने बालों को अच्छे से कॉम कर लीजिए, बालों में कोई भी टैंगल नहीं होना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं। और फ्रेंड्स एक चीज और बताना चाहती हूँ, अगर आपके पास कैस्टर ऑयल नहीं है या फिर जैतून का तेल नहीं है, तो आप इसकी जगह पर पैराशूट कोकोनट ऑयल भी ऐड कर सकते हो एग में, और या फिर आप बादाम का तेल भी यूज कर सकते हो। तो यहां पर मैं अपने बालों को अच्छे से कॉम कर रही हूँ। तो ये देखिए मैंने अपने बालों को सुलझा लिया है अच्छे से। अब मैं इस पैक को अपने बालों में लगा लेती हूँ। अंडा एक बहुत ही अच्छा कंडीशनर का काम करता है, इसलिए मैंने इसमें अंडे का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो इसमें दही भी ऐड कर सकते हो, अंडा अगर आपको नहीं पसंद है तो आप इसमें दही भी ऐड कर सकते हो। और अंडे से गाइस हमारे बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, स्मूथ और शाइनी बनते हैं, इसलिए मैंने इसमें अंडे का इस्तेमाल किया है। और अंडा मैं काफ़ी टाइम से लगाते आ रही हूँ, ये कह सकते हो आप 15 सालों से मैं इस हेयर मास्क को लगाती आ रही हूँ अपने बालों में। गाइस मैंने पैक को लगा लिया है, और अब इसके बाद मैं आधा पौना घंटे तक या फिर एक घंटा इसे लगाकर रखूंगी। उसके बाद मैं अपने बालों को लस्सी से वॉश करूंगी, और उसके बाद मैं अपने बालों में अच्छे से शैम्पू करूंगी। ध्यान रहे फ्रेंड्स कि लस्सी को आपने पहले लगा लेना है, शैम्पू के बाद लस्सी को मत लगाइए, क्योंकि ये थोड़ी ऑयली होती है, चिकनी होती है, तो आपके बाल जो है ऑयली हो जाएंगे। तो इसलिए आप शैम्पू एंड में कीजिए और लस्सी को पहले यूज कीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स मुझे एक घंटा हो चुका है अपने बालों में इस पैक को लगाए हुए, और अब मैं अपने बालों में लस्सी से अपने बालों को वॉश कर लेती हूँ, और इसके बाद शैम्पू करने के बाद आपको रिजल्ट दिखाती हूँ। सो फ्रेंड्स आप ये सोच रहे होंगे कि मैं लस्सी से ही अपने बालों को डायरेक्ट वॉश नहीं करूंगी, पहले मैं जो ये पैक लगाया हुआ है खाली पानी से इसे वॉश करूंगी, उसके बाद लस्सी और उसके बाद शैम्पू मैं अप्लाई करूंगी। तो ये है मेरे हाथ में इस वक्त लस्सी, आप देख सकते हो। इसकी हेल्प से भी आप अपने बालों को वॉश कर सकते हो गाइस, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं इसकी हेल्प से अगर अपने बालों को आप वॉश करते हो। तो चलिए फ्रेंड्स फिर मैं अपने बालों को वॉश करके आती हूँ, फिर आपको रिजल्ट दिखाती हूँ। और यहाँ आप देख सकते हो गाइस, पहले मैंने जो पैक लगाया था अपने बालों में, हेयर पैक लगाया था, उसे मैं निकाल लूंगी अच्छे से। और यहाँ मैं हल्के गुनगुने पानी से अपने बालों को वॉश कर रही हूँ, क्योंकि गाइस सर्दी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से अपने बालों को वॉश कर रही हूँ, मैं सिर्फ खाली पानी से वॉश करूंगी उस पैक को, और इसके बाद मैं लस्सी अप्लाई करूंगी अपने बालों में। तो देखिए मैंने पैक निकाल लिया है अच्छे से, और अब आप ये मैं लस्सी देख रहे हो, इसे मग में निकाल लूंगी। ये लगभग एक मग है। मैंने इसे हल्के हाथों से मसाज करते हुए, इस तरीके से आपने अपने बालों में रब करते हुए लस्सी को लगा लेना है। इससे गाइस क्या होगा कि आपकी रूसी भी अगर आपके बालों में होगी वो भी रिमूव हो जाएगी। और लस्सी से गाइस आपने अपने बालों को रोज वॉश नहीं करना है, महीने में एक दो बार आप जैसे भी आपके पास अवेलेबल हो लस्सी तो आप यूज़ कर सकते हो।
इसके बाद मैं यहाँ पर शैम्पू अप्लाई करूंगी गाइस बालों में। और अगर एक बार में आपको लगता है कि चिकनाई नहीं निकली है लस्सी की, तो आप दो बार भी शैम्पू कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड लस्सी के बेनिफिट्स आपको यहाँ पर बता देती हूँ मैं। जैसा कि सर्दियाँ चल रही हैं, तो सर्दियों में बहुत ज़्यादा हमें ड्राई स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है, हमारी स्कैल्प भी ड्राई हो जाती है, रूसी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसे में अगर आप लस्सी से अपने बालों को वॉश करते हैं, तो इससे आपकी रूसी की समस्या भी दूर होगी, प्लस ये आपके बालों को नरिशमेंट भी प्रोवाइड करती है। जी, आपके बालों को मॉइस्चराइज करेगी, ड्राई नहीं होने देगी बहुत ज़्यादा आपके बालों को, और आपकी रूसी की प्रॉब्लम को भी दूर करेगी। तो इतने सारे बेनिफिट्स हैं अगर आप लस्सी की हेल्प से अपने बालों को वॉश करते हैं। और एक चीज़ और बताना चाहती हूँ दोस्तों, कि जरूरी नहीं है आपको बिल्कुल ताजी लस्सी लेनी है, जो भी दो चार दिन की बची हो लस्सी या हफ्ते भर की भी हो, उससे भी आप अपने बालों को वॉश कर सकते हैं। लस्सी जितनी पुरानी होगी उतना आपके बालों के लिए बेहतरीन रिजल्ट देगी, तो इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा गाइस। नहाने के बाद अपनी बॉडी पर आप मॉइस्चराइजर को जरूर अप्लाई करिए। देखिए, मैं नहाकर आ चुकी हूँ और अब मैं अपने हाथ और पैरों पर लगा रही हूँ बोरो प्लस बॉडी मॉइस्चराइजर या बॉडी लोशन, जो भी आप इसे कहें, और ये काफी खत्म होने वाला भी है, तो मैं इसे लगा लेती हूँ। और गाइस, अगर आप होने वाली दुल्हन है या बंधे जा रही हैं या अभी कुछ टाइम भी है शादी को, तो आप ये डेली इन सभी स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा। मतलब कि मॉइस्चराइजर आप डेली जब भी नहाते हैं तो मॉइस्चराइजर ज़रूर अप्लाई कीजिएगा अपनी बॉडी पर, ताकि आपकी त्वचा में नमी रहे, आपकी त्वचा कटे फटे नहीं, कहीं से भी ड्राइनेस ना हो आपकी स्किन में। तो ये देखिए गाइस, मैं जल्दी ही अपने बालों को सुखा लिया था, क्योंकि सर्दी बहुत थी तो मैंने ड्रायर करा था अपने बालों में। तो आप देख सकते हो गाइस, कितनी अच्छी चमक आई है मेरे बालों में, बहुत ज़्यादा स्मूथ लग रहे हैं बाल, सॉफ्ट लग रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा मुलायम लग रहे हैं। मतलब बाल बार बार मन कर रहा है कि बार बार बालों को टच करती रहूँ बस। आप देख सकते हो कितनी अच्छी शाइन भी आई है बालों में। सो हे गाइस, आप देख रहे होंगे कि इतनी सर्दियों में भी मेरी एरिया इतनी साफ़ सुथरी कैसे है, मैं बता देती हूँ आपको। इसके दो रीज़न है। एक तो गाइस, अगर आपके पास कोई भी बादाम तेल हो ना, वो आप लगा लीजिए रात को अपने फटी एड़ियों पर, रात को लगाकर सो जाइए। वैसे अगर आपके पास कैस्टर ऑयल है तो वो भी आप लगा सकते हो। मेरे पास पॉजिटिव रूट थेरेपी का है तो मैं ये भी लगा लेती हूँ। और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप बादाम रोगन जो आता है ये वाला तेल भी लगा सकते हैं। सो ये देखिए, बस एक ड्रॉप ले लीजिए और उसके बाद आप इसे लगा लीजिए। मैं हाथ में मोबाइल को पकड़कर शूट कर रही हूं तो इसलिए आपको थोड़ा ऐसा लग रहा है। तो इसे देखिए, मैं अपने नेल क्यूटिकल्स पर भी लगा लेती हूँ इस तरीके से। अच्छे से आप अपने नाखूनों पर भी मसाज कर लीजिए, इससे आपके नाखून भी मजबूत बनेंगे, क्यूटिकल्स की प्रॉब्लम को दूर करेगा ये बादाम रोगन तेल, और आपके दाग धब्बों को भी दूर करेगा। तो इस तरीके से ये देखिए, मैंने सारी एड़ियों पर अच्छे से लगा लिया है, तो आप लगा लीजिए इस तरीके से। तो ये है मेरी खूबसूरत एड़ियों का राज, कि मेरी एड़ियां इतनी सर्दी में भी अभी तक फटी नहीं है। और गाइस, अपने हाथों और पैरों के नाखूनों को सुरक्षित रखने के लिए, मजबूत रखने के लिए और चमकदार बनाए रखने के लिए आप कोशिश कीजिए कि डेली आप जो लेमन का जो छिलका होता है बच जाता है, तो लेमन का पूरा छिलका या लेमन भी आप अपने नाखूनों पर डेली मसाज कीजिए उसकी हेल्प से, जैसा कि आप पिक में देख सकते हैं। इस तरीके से आप अपने नाखूनों पर डेली नींबू से मसाज कीजिए, इससे आपके नाखून मजबूत भी बनेंगे और चमकदार भी बनेंगे। गाइस, देखा आपने, मैंने अपनी सभी चीजें आपको अपने फेस पर ट्राई कर दिखाई हैं बकायदा, ताकि आपको यकीन हो जाए बालों में कितना अच्छा रिजल्ट आया है, आप देख ही सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं अब हेल्दी टिप्स की। दोस्तों, अगर आपकी शादी अभी अगर नहीं हुई है या होने वाली है या कुछ टाइम बाकी है, तो आप अपना एक रूटीन बना लीजिए। चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, तो आप अपने घर की छत पर भी टहल सकते हैं। सुबह जल्दी उठने की आदत डालिए और सुबह थोड़ा सा वॉक जरूर कीजिए, एक घंटा जरूर वॉक कीजिए, या फिर कोई एक्सरसाइज कर सकती है। आपको डांस का शौक है तो आप डांस वगैरह भी कर सकती हैं, कोई भी योगा व्यायाम जो भी आपको ईजी लगता हो वो आप कर सकती हैं। साथ ही साथ अब बात कर लेते हैं कि गाइस, अपनी मील में दूध को जरूर शामिल कीजिए, फ्रूट्स लीजिए, जूस लीजिए, और ये सभी चीजें बहुत ही हेल्दी होती है, सेहत के लिए अच्छी होती है। दूध तो रात को सोते टाइम अपना एक रूटीन बना लीजिए कि दूध तो आपने पीना ही पीना है, क्योंकि दूध से भी आपको कैल्शियम मिलता है और जिससे आपकी हड्डियों में भी जान आती है, ताकत बनी रहती है शरीर की, और दूध वैसे भी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। तो दूध को जरूर अपने मील में शामिल कीजिए, दूध कभी भी इग्नोर मत कीजिए। दिन के वक्त तो दूध ना ही पीजिए, तो रात को जरूर अपना रूटीन बना लीजिए, क्योंकि रात के समय इससे आपको क्या होगा कि नींद भी अच्छी आएगी, क्योंकि दूध अच्छी नींद लाने में बहुत हेल्प करता है। तो दूध जरूर शामिल कीजिए और ड्राई फ्रूट्स जरूर लीजिए। एक रूटीन बना लीजिए अपनी, हर एक चीज का टाइम टेबल बना लीजिए, यानी कि डाइट चार्ट बना लीजिए कंप्लीट। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपको भूख लगती है बार बार, तो आप क्या खाएं। आप एक साथ अपना पेट ना भरे, आप थोड़ी थोड़ी देर में खाते रहिएगा, इससे आपको एनर्जी बनी रहेगी पूरा दिन और आप हेल्दी भी रहेंगे, इससे आपको मोटापे की प्रॉब्लम भी नहीं होगी।
सो गाइस ये थी मेरी आज की वीडियो, आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, और पसंद आए तो प्लीज गाइस मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों की भी हेल्प हो सके, और कमेंट में जरूर बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।